कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गरीबों की मदद करने के लिए आगे आते हैं। पटना में कई बिजनेसमैन जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। ठंड के समय सबसे ज़्यादा परेशानी गरीबों को होती है और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना की। और ये गरीब जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, कोई गर्म कपड़े दे दे, कुछ खाने की चीज़ें दे दे, और ऐसी बहुत सारी संख्या है, बहुत सारे तादाद है जो गरीब सड़कों पर रहते हैं और ठंड के समय आश्रय खोजते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मदद करने के लिए चले आते हैं, और हमारे साथ किसले जी हैं, उन्होंने अभी कंबल बांटा है और उसके अलावा तिलकुट भी बांटा है। किसले जी, ये ख्याल कैसे आया कि कंबल और तिलकुट भी देना चाहिए? सर, हम लोग हर साल कंबल बांटते हैं और बाकी चीज़ें। हम लोग जब भी आते हैं, घूमते हैं, देखते हैं लोगों का कि काफ़ी उत्साहित होते हैं और काफ़ी इन लोगों का ज़रूरत होता है। हालांकि हम लोग देखते हैं कि और भी बहुत सारे पटना में लोग हैं जो कि कंबल वगैरह हर साल बांटते हैं, लेकिन इन लोगों की संख्या इतनी है कि शायद पूरी नहीं हो पाती है। तो एक गुड कॉज है, करना चाहिए। अगर भगवान ने दिया है थोड़ा बहुत सक्षम है, किसी चीज़ की लिमिट तो नहीं है, लेकिन जो हमसे बन पड़ता है थोड़ा बहुत करने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ ठीक है, थोड़ा बहुत दुआ मिल जाएगा इन लोगों को। और क्या है? अच्छा, आप करते क्या है, व्यवसायी हैं या बिजनेसमैन है? जी, बिजनेसमैन है। किसले जी, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निकलते हैं और गरीबों को, जो ज़रूरत मंद है, जिनके पास अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत कंबल की होती है, उनको कंबल दिया जाता है, खाने की चीज़ें दी जाती हैं ताकि ये ठंड किसी तरह से कट सके, तो स्वाभाविक तौर पर ऐसे मददगार हाथ भी आगे आते हैं। सिर्फ सरकार के भरोसे काम नहीं चल सकता है, सरकार की तरफ से रैन बसेरे की व्यवस्था ज़रूर की गई है, लेकिन वो सफिशियंट नहीं है क्योंकि सड़क पर रहने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और चूँकि अभी फ़िलहाल ठंड का असर दिख रहा है, तो ऐसे में जो लोग हैं जो मानवता को समझते हैं वो खुद आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं और लोगों की मदद करते हैं, तो ये इसे बेहतर कदम कहा जा सकता है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ आशुतोष चंद्र।